उत्तर प्रदेश में नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज सहारनपुर के मेयर संजीव वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले 5 सालों में सहारनपुर की जनता से जो वादे किए थे ये उन्होंने पूरे कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान जनता का भरपूर सहयोग उन्हें मिला है, इसके लिए वह जनता का धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सहारनपुर मेयर का पद ग्रहण किया गया था, तब सहारनपुर का स्मार्ट सिटी भारत में 378वां स्थान था, लेकिन 2022-23 की लिस्ट में सहारनपुर का 40वां स्थान है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सहारनपुर स्मार्ट सिटी में तीसरे स्थान पर है। ये सभी के सहयोग से एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किए गए अनेक विकास कार्यों को भी गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद अदा किया। अपने 5 साल का कार्यकाल नगर निगम का समाप्त होने पर मैं सहारनपुर की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस 5 साल में विकास में जो साथ सहारनपुर की जनता ने और मीडिया ने मुझे दिया और उसके बल पर मैं कह सकता हूं कि मैंने एक नया सहारनपुर देने का प्रयास अपने सभी 80 पार्षदों के साथ, अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ, अपने संगठन के साथ मिलकर पूर्ण रूप से मैंने एक प्रयास किया है कि एक नया सहारनपुर की जनता को दूं। इसी क्रम में उद्यान विभाग का गठन करके सहारनपुर में ग्रीनरी डिवाइडर्स का निर्माण, लगभग 1400 छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण, 210 नालों का निर्माण, लगभग 35 किलोमीटर के ये नाले बने। स्वच्छता में जो 2018 में मेरा कार्यभार संभालने के बाद सहारनपुर का स्थान पूरे देश में 378वां था, वो स्थान आज की तारीख में 40वां आया है, पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा है। इस सब के लिए मैं सहारनपुर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।